मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था रेडमी 3S खुद के लिए, जो 2 GB वेरियंट है वो वाला, तो उसको फ्लिपकार्ट ने दिया है अभी कुछ देर बाद, तो इसको मैं अब अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये देखो एक बिल है इसके अंदर जो फ्लिपकार्ट ने मुझको प्रोवाइड किया है, अच्छी बात है बिल दिया हुआ है, और पैकेट में पहले कट चुका हूँ इसलिए पैकेट कटा हुआ है, कोई बात नहीं इसको ओपन कर लेते हैं। ओके तो ये देखो पैकेट, तो इसके अंदर जो है मेरा हमारा जो रेडमी 3S 10 10 है, ये देखो हमारा फ़ोन, तो इसको अभी अनबॉक्स करते हैं। तो अच्छे से पैकेट किया हुआ है मैं बोल सकता हूँ सेफ्टी के लिए। तो ये देखो पीछे कुछ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया 4G वोल्टेज सपोर्ट MI, तो और कुछ चाइना अक्षर में लिखा हुआ है जो कि मुझको समझ नहीं आती है, तो छोड़ दीजिए। आपको मैं बॉक्स दिखा देता हूँ, बॉक्स से MI लिखा हुआ है चारों तरह, और इसको हम अभी सील ओपन करते हैं। तो सील कट कर दिए और ओपन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। ये देखो मेरा हमारा जो रेडमी 3S 2 GB वेरियंट वाला, इसलिए इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2 GB वेरियंट वाला है और इसका प्राइस है 7,000। ओके और ये देखो हमारा क्विक स्टार्ट गाइड, इसमें एक सिम रिजेक्टर टूल दिया है, किस लिए दिया है क्योंकि ये जो फ़ोन है इसका सिम से हाइब्रिड सिम स्लॉट है। ओके अब ये देखो कुछ क्विक स्टार्ट गाइड हमको मिला है कुछ एप्पल की स्टाइल की तरह, आप देख सकते हैं। तो इसको एक आप देख सकते हैं एक एडाप्टर दिया है जो कि है 5 वोल्ट 2 एम्प, आप देख सकते हैं। तो एक डाटा केबल चार्ज करने के लिए हमको दिया हुआ है, और हेडफोन हमको नहीं मिले हैं क्योंकि रेडमी हेडफोन नहीं देते हैं जो ऑनलाइन वगैरह है उससे खरीदने के लिए। ठीक है तो मैं अभी फ़ोन को पूरी तरह सेटअप कर लेता हूँ, तब तक के लिए बाय। आप देख सकते हैं ये जो फ़ोन है जो मैं पूरा सेटअप कर लिया हूँ, और एक जियो की सिम और एक SD कार्ड मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ये देखो फिंगरप्रिंट स्कैनर सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, और सब कुछ एकदम ठीक ठाक ही फ़ोन में सब कुछ चल जाता है, टच भी स्मूथ है। आपको सेटिंग एक बार दिखा देते हूँ अबाउट फ़ोन में चेक करके, तो आप देख सकते हैं इसमें मार्शमेलो वर्सन आपको मिल जाएगी, और इसके अंदर जो छोटा सा मार्शमेलो की गेम है जो आप सभी जानते हैं, जो मैं नहीं खेल पाता, शायद कोई भी नहीं खेल पाता। तो ऐसा ही प्रोसेसर आप देख सकते हो, GPU CPU आप देख सकते हो सभी, और MIUI जो 8.1.1 लेटेस्ट अपडेट मैंने कर लिया है थोड़ी देर आगे। तो ऐप लॉकर इसमें फ़ोन से ही मिल जाता है, आपको थर्ड पार्टी ऐप की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके और इसके लाइट मोड, चाइल्ड मोड, बहुत सारे मोड Xiaomi ने प्रोवाइड करा हुआ है। ओके तो डुअल स्पेस भी आपको मिल जाता है, इसके कारण आप एक ऐप्स को 2 बार एक साथ अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो टच बहुत स्मूथ है, आपको एक बार इसका कैमरा चेक करके दिखा देता हूँ। कैमरा बजट फ़ोन के मुताबिक अच्छा है, प्रिटी गुड है। तो एक कुछ फ़ोटो खींचकर आपको दिखा देता हूँ, जो रियर कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, जिसका 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा है। ये जो फ्लैश से एक पिक लिया और एक फ्लैश ऑफ करके ले लेता हूँ, और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, वो भी अच्छा है। मैं अभी शूट कर रहा हूँ तो इसलिए फ्रंट कैमरा आपको नहीं दिखा सकता हूँ, सॉरी। आप देख सकते हैं दोनों ही पिक्चर अच्छी आई हुई है। तो कुछ ऐसा है जो Redmi 3S, इसका कीमत रखा गया हुआ है 7,000 इंडियन प्राइस।